इमेजिन करो अगर विंस मैकमैन सच में कोफी को मैच नहीं देते, फैंस क्या सोचेंगे फिर। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, और फिर से आपका वेलकम बैक है असली अखाड़ा में। और इस बार होने वाला 11th एपिसोड, और जैसे कि आप लोग जानते हैं रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट है, और जो हमारे अप से लेकर रेसलमेनिया तक जो भी एपिसोड होंगे असली अखाड़ा के, वो सारे रोड टू रेसलमेनिया एडिशन वाले होने वाले हैं। अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट देखना, यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी रेसलमेनिया के बारे में बातें करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम टॉपिक में बढ़ें, मैं चाहूँगा आयुष कुछ बोले हमारे इस एपिसोड के बारे में। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट एपिसोड भी रोड टू रेसलमेनिया का पसंद आया होगा। और इस हफ्ते जितनी भी नई एडिशंस हुई हैं मैच कार्ड में, जो नए रूमर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। और जैसा कि रोहित ने कहा, इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। जो रोड टू रेसलमेनिया वो हमेशा ही बहुत एक्साइटिंग होती है, और आज का भी ये एपिसोड जो है वो काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि रोहित आपको एक बार फटाफट से बता दें कि आज के पूरे एपिसोड में हम आपके लिए क्या क्या लाए हैं डिस्कशंस करने के लिए। तो इस एपिसोड में हम लोग काफी सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि कोफी किंगस्टन वाली सिचुएशन, क्या मैच में सच में देखने को मिलेगा कर्ट एंगल वर्सेस बैरन कॉर्बिन का, WWE बहुत सारे मैचेस बुक कर रहे हैं रेसलमेनिया के लिए, रोमन रेंस के बारे में कुछ बातें होंगी, यहाँ पर डीन एम्ब्रोस के बारे में शायद कुछ बातें हमें देखने को मिल सकती है। मतलब कि हम यहाँ पर शुरू में मैं आपको बता नहीं रहा कि हमें ये देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये पूरा रेसलमेनिया के बारे में होने वाला है, तो हमें जो भी लगता है कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो के एंड तक करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर आए, हम लेंगे सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम का क्वेश्चन जो कि यहाँ पर है सितांश भाई ने, और इन्होंने यहां पर पूछा है कि क्या रे मिस्टीरियो के जब सन आ रहे रिंग साइड पर, तो क्या रेसलमेनिया की इस स्टोरीलाइन में इन्वॉल्व होते हमें दिखाई दे सकते हैं। तो आयुष आपको क्या लगता है, क्या कोई रोल हमें देखने को मिलेगा उनके सन का एट रेसलमेनिया 35? अब यहाँ पे मुझे लगता है रोहित कि हमेशा ही जब हमें ऐसा लगता है कि कोई WWE के सुपरस्टार को कोई ऐसा फैमिली मेंबर या फिर कोई उसके जानने वाला रिंग साइड होता है, जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा मिस के फादर रिंग साइड थे, तो यूजुअली उसको इन्वॉल्व किया ही जाता है स्टोरी लाइन में, स्पेशली जब बार बार उसको प्रोमोज में या बैक स्टेज मेंशन करा जाए या फिर दिखाया जाए। तो अगर इनके सन इन्वॉल्व होते हैं तो मुझे लगता है दो तरीके से उसको करा जा सकता है। अगर रे मिस्टीरियो जीतते हैं तो उनके सन उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए आ सकते हैं वहां पे रिंग में, या फिर अगर वो हारते हैं तो हमें देखने को मिल सकता है कि समोआ जो जैसे उन्होंने एजे स्टाइल्स की फैमिली के साथ किया था, कुछ काइंड ऑफ वैसा अगर कुछ ज्यादा पर्सनली फ्यूड करना चाहते हैं दोनों के बीच में, तो शायद उस तरीके से भी इसका यूज करा जाता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है अगर वो रिंग साइड आने वाले हैं तो WWE का कुछ ना कुछ प्लान होगा, कुछ रीजन होगा उनको वहां डालने का, और उनकी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल सकती है। वैसे क्या पता है, ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत हो यहाँ पर रे मिस्टीरियो के सन की, कि वो WWE में आगे कंटिन्यू करें। वेल इसके बारे में ज्यादा हम बात नहीं करें क्योंकि अभी कुछ हम कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन अब हम आते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक्स पर, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेसलमेनिया के कार्ड को लेकर। लास्ट वीक भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेसलमेनिया का कार्ड कैसा लग रहा है, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर और मैचेस बुक हैं, तो जो मुझे लगता है जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहिए सबसे पहले ही, कार्ड लग कैसा रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन कर्ट एंगल वर्सेस बैरन कॉर्बिन का मैच कुल मिलाकर यार बताओ आपको, अब आपको कार्ड कैसा लग रहा है आयुष? अब जैसे कि आपने कहा पिछले हफ्ते से लेकर अब तक कुछ ज्यादा मैचेस तो ऐड नहीं हुए, लेकिन जो हुआ है वो हम सबको पता है क्या हुआ है, कर्ट एंगल बैरन कॉर्बिन और ऊपर से अंडर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल में ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो ऐसे एडिशंस जिससे लोगों को कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है, और ऑब्वियसली गाइस आने वाली इस वीडियो में या फिर अभी हम कुछ देर में ही डिस्कस करेंगे कि कर्ट एंगल बैरन कॉर्बिन की सिचुएशन क्या है। लेकिन मुझे लगता है जो कार्ड अभी तक रेसलमेनिया का शेप अप हो रहा है उसमें जो बड़े मैचेस हैं वो हमें बहुत पहले से ही पता है कि क्या होने वाले हैं, तो उनका इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और WWE हर हफ्ते कुछ ऐसा कर नहीं रही है जिससे हमको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे ये कार्ड। तो अभी भी मैं कहूँगा कि ये थोड़ा कार्ड वीक है, और बहुत सारे ऐसे अच्छे मैचेस हैं जो शायद हो सकते हैं लेकिन इस साल की रेसलमेनिया में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। क्या रोहित आपको लगता है कि ये जिस तरीके से कार्ड शेप अप हो रहा है इस साल की रेसलमेनिया थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग होने वाली है? अब इससे पहले कि मैं इसको आंसर करूं, आपने कहा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन फर्क पड़ा है अलग तरीके से, वो है बुरे तरीके से, क्योंकि जैसा मैच कार्ड जैसा मैच में देखने को मिला कर्ट एंगल वर्सेस बैरन कॉर्बिन, उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन का एक बैटल रॉयल में आना, वो थोड़ा सा बेकार है। और हाँ, जैसा आपने कहा क्या इस बार कार्ड वीक है, तो डेफिनेटली इस बार कार्ड बहुत ज़्यादा मुझे वीक लग रहा है। अगर ट्रिपल एच और बैटिस्टा का मैच नहीं होता तो मैं तो कहता इस बार की रेसलमेनिया खत्म, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें लेजेंड देखने को मिल रहे हैं तो मुझे लगता है स्टिल ये कार्ड बेटर है, बट इतना अच्छा नहीं अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की रेसलमेनिया से। तो हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो के अगले टॉपिक में, और इस बार यहां पर जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट वाला है, क्योंकि यहां बात करने वाले हैं कोफी किंगस्टन वर्सेस डैनियल ब्रायन की स्टोरीलाइन में। अगर मैं कहूं एक जो सबसे बेस्ट थिंग हमें WWE के अंदर अभी देखने को मिल रही है तो वो यही वाली स्टोरीलाइन है। सबसे पहले आयुष आप बताओ क्या आपका कहना है स्टोरीलाइन के बारे में, और कैसे हमें आगे देखने की स्टोरीलाइन मिल सकती है इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच?
अब सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पूरी WWE में फिलहाल ये स्टोरी लाइन सबसे ज्यादा बढ़िया चल रही है, क्योंकि जो बेकी लिंच रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर वाली स्टोरी है वो पिछले एक दो हफ्तों से कुछ उतनी प्रोग्रेस नहीं कर रही है, लेकिन ये स्टोरी लाइन ऐसी हो चुकी है कोफी किंगस्टन और डैनियल ब्रायन के बीच में, जिसकी वजह से स्मैकडाउन बिल्कुल एक नॉट मिस शो हो चुका है। अब इसको बिल्कुल भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिस कर दें, रॉ से ज्यादा अच्छी मुझे अब स्मैकडाउन लगने लगी है। और जो कोफी किंगस्टन डैनियल ब्रायन की फ्यूड है रेसलमेनिया तक, मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट फ्यूड्स है जिस तरीके से WWE ने इसको बुक करा है। अब यहां पे असली डिसीजन WWE का रहेगा ये देखना कि किस तरीके से इसकी एंडिंग वो करते हैं, क्या होगा आखिर रेसलमेनिया में जब कोफी किंगस्टन और डैनियल ब्रायन का मैच। अगर आप एंडिंग की बात करें तो हमेशा हम पॉजिटिव सोच रहे हैं कि हां फाइनली जो है न्यू डे के जो कोफी किंगस्टन है उन्हें रेसलमेनिया में WWE चैंपियनशिप के लिए मैच मिल जाएगा। इमेजिन करो अगर विंस मैकमैन सच में कोफी को मैच नहीं देते तो आपको क्या लगेगा इस बारे में, और आपको क्या लगता है फैंस क्या सोचेंगे फिर? अब फैंस की तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर विंस मैकमैन यहाँ पे अपना माइंड बदलते हैं और सच में कोफी वर्सेस ब्रायन नहीं होता तो ये जो जितने भी हफ्ते इन्होंने इस चीज़ को करने में लगाए हैं उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सुपरस्टार आ जाए बहुत ही बड़ा जो डैनियल ब्रायन के अगेंस्ट लड़े तो फिर फैंस तब भी खुश हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोफी किंगस्टन ने जो अपनी परफॉर्मेंस दी है स्टोरी लाइन में और जिस हिसाब से स्टोरी लाइन चली है शायद WWE को भी इतनी उम्मीद नहीं थी, और मेरे हिसाब से कोफी किंगस्टन एक रेसलमेनिया में मैच ज़रूर डिजर्व करते हैं। वो जीते ना जीते वो WWE का डिसीजन है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो स्टोरी लाइन जितनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है उसके हिसाब से कोफी किंगस्टन डिजर्व करते हैं एक रेसलमेनिया में मैच। बिल्कुल कोफी कमाल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन आयुष आपको याद होगा रेसलमेनिया 30 में हमने जो देखा था जैसे डैनियल ब्रायन को बिल्ड किया गया था रेसलमेनिया तक, इस बार वो कोफी किंगस्टन के साथ हो रहा है और अगेंस्ट में वही सुपरस्टार है जिसकी सेम स्टोरीलाइन थी रेसलमेनिया 30 में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि WWE अपने पुराने वाले तरीकों को यूज कर रही है। अगर हम बात करें रेसलमेनिया की, हम लोग सोच रहे थे कि फास्ट लेन से मैच में हटा देगा, ये होगा वो होगा, उस समय तक लग रहा था कि शायद हो सकता है कोफी का मैच, लेकिन अब तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि हाँ ये मैच हमें जरूर देखने को मिलेगा। भले मैंने कहा कि अगर विंस मैकमैन अपना प्लान चेंज कर देते हैं, अब प्लान चेंज करने से मुझे ये भी लगता है कि बात तो ये भी सामने आ रही थी कि शार्लेट फ्लेयर को फैंस नहीं देखना चाह रहे मैच में, बट स्टिल WWE ने शार्लेट फ्लेयर को ऐड कर दिया, अब क्या कोफी को मैच से हटाएंगे? और एक दूसरी बात यहाँ पे ये भी है रोहित कि विंस मैकमैन इस स्टोरी लाइन में खुद इन्वॉल्व है, और जब विंस खुद एक स्टोरी लाइन में पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं तो उनको सच में ऐसा लगता है कि हाँ इससे कुछ पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है वो एक ऐसे मैच में आके इन्वॉल्व हो जाएंगे जो उनको खुद ही नहीं करना रेसलमेनिया में। तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक के बारे में काफी सारी डिस्कशन कर ली, मुझे पता है आप लोगों के काफी सारे यहाँ पर डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि हमारे क्या थॉट्स हैं आगे क्या हो सकता है। लेकिन अगर हम बड़े वीडियो के अगले टॉपिक में असली अखाड़ा के 11th एपिसोड के अगले टॉपिक में, और यहाँ पर ये जो मैं चीज डिस्कस करूंगा वो ये, अब फाइनली जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में कहा, क्या कर्ट एंगल वर्सेस बैरन कॉर्बिन का मैच सच में होने वाला है रेसलमेनिया में, और क्या ये डिजास्टर हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया में? आयुष आप क्या कहोगे इस बारे में? अब लास्ट वीक का एपिसोड गाइस अगर आपने नहीं देखा तो जब हमने बात करी थी कि कौन हो सकता है कर्ट एंगल का अपोनेंट, तो रोहित ने सबसे पहली चीज़ यही बोली थी कि कोई भी हो सकता है लेकिन बैरन कॉर्बिन नहीं। और फिर उसके बाद रॉ में आते हैं कर्ट एंगल और वो बोलते हैं कि मैं लड़ूंगा बैरन कॉर्बिन से, और उसका रीज़न जो उन्होंने दिया वो ये कि जब मैं जनरल मैनेजर था तो इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया था। पहली बात तो वो उनका मैच पहले से ही बैरन कॉर्बिन के साथ हो चुका है और उनकी जो फ्यूड है हमें काफ़ी समय से देखने को मिल रही है, कुछ छोटे मोटे मैचेस कर्ट एंगल लड़े जा रहे हैं रॉ पे, तो उन्हीं छोटे मोटे मैचेस से भी एक छोटा मैच अगर वो रेसलमेनिया के लिए बुक कर रहे हैं कर्ट एंगल का, तो मुझे तो कोई सेंस नहीं लग रही। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि ये जो पूरा WWE ने हमें घुमाया है ये सब झूठ है और रेसलमेनिया से पहले कर्ट एंगल का मैच चेंज हो जाना चाहिए शायद, और बैरन कॉर्बिन वर्सेस एंगल नहीं होना चाहिए। आपके क्या आयुष आपको ये मेरे ओपिनियन तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या जॉन सीना अभी भी ऐड होंगे, आपको क्या लग रहा है? मैं तो भगवान से ही उम्मीद करूंगा कि अगर कर्ट एंगल का कोई रिटायरमेंट मैच होना है तो वो जॉन सीना के अगेंस्ट ही होगा, मेरा ओपिनियन नहीं चेंज होगा। जब मुझसे किसी ने पहली बार पूछा था कि कर्ट एंगल के रिटायरमेंट मैच में उनका अपोनेंट कौन होना चाहिए, तब भी मेरे मुंह पे नाम जॉन सीना का ही था, क्योंकि वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है जहां से जॉन सीना का करियर शुरू हो रहा था वहीं से जॉन सीना फिर से उसी बंदे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो एक स्टोरी लाइन जो है वो बहुत बढ़िया बनेगी। और अगर मैं इस मैच को कर्ट एंगल वर्सेस बैरन कॉर्बिन से कंपेयर करूं तो फिर हंसने वाली ही बात है, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है वहां पे। वैसे जब मैंने लास्ट वीक असली अखाड़ा में कहा था कि कर्ट एंगल वर्सेस बैरन कॉर्बिन, मैंने उस पर हंसकर कहा था, लेकिन सच में WWE ऐसा कर देगी मुझे बिलीव नहीं था, और मेरे ओपिनियन भी यहाँ पर जो आयुष ने कहा वही सेम है, मैं भी देखना चाहूंगा कर्ट एंगल वर्सेस जॉन सीना। मुझे लगता है कि शायद अभी भी मैच चेंज हो सकता है बैरन कॉर्बिन क्योंकि एक अच्छे अपोनेंट नहीं है, और वो भी कर्ट एंगल के तो बिल्कुल भी नहीं, और क्योंकि रिटायरमेंट मैच है तो जरा भी नहीं है, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि शायद हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन WWE अगर उसे WWE को चुल है तो मुझे नहीं पता फिर क्या होने वाला, बस मैं इस मैच को नहीं देखूंगा। अब या तो यहाँ पे दो उम्मीदें हैं, अगर या तो विंस मैकमैन असली अखाड़ा देख रहे हैं हर हफ्ते, बिल्कुल उनको पता है कि हम नहीं चाहते थे ये मैच, और उन्होंने कहा कि यार इंडियंस
आप जो नहीं चाहते हम आपको वही देंगे। और फिर अब कर्ट एंगल वर्सेस बैरन कॉर्बिन, हो सकता है अगर विंस मैकमैन अभी फिर से सुन रहे हैं तो हमने जो बोला था उसका मतलब ये है कि हमें जॉन सीना वर्सेस कर्ट एंगल चाहिए, तो क्या पता अब रॉ में अनाउंस हो जाए तो फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि शायद हाँ विंस मैकमैन भी असली अखाड़ा देखते हैं। क्यों रोहित? बिल्कुल आपने सही कहा, इस बात को अगर हम साइड में रखें कि विंस मैकमैन इसलिए खड़ा देखते हैं, लेकिन देखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे उन्हें मिल जाएंगे सजेशन कि क्या उन्हें स्टोरीलाइन में डालना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है हमें लास्ट वीक तक का वेट करना चाहिए रेसलमेनिया से पहले कि क्या पता जॉन सीना आ जाए सच में इस वाले मैच में। लेकिन इससे पहले कि हम बढ़ें वीडियो के अगले टॉपिक में, एक बार फिर से लेते हैं हम इंस्टाग्राम का अगला क्वेश्चन। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा वो लिखा है हमें रणवीर भाई ने, उन्होंने कहा यहाँ पर रोमन अभी मिड कार्ड में फैंस का उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन क्या कब तक वो आएंगे टॉप कार्ड में? और मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐड करूंगा कि क्या रोमन रेंस अगर फिर से टॉप कार्ड में आ गए तो क्या उन्हें फिर से हुई वाली चीज देखने को मिलेगी कि फैंस उन्हें फिर पसंद नहीं कर रहे, बू कर रहे वगैरह? तो आयुष आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लगता है वो कब तक टॉप कार्ड में आएंगे और उनको हेट क्या मिलेगी, इसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है या थॉट्स हैं? अब सबसे पहली बात तो ये है कि रोमन रेंस अभी मिड कार्ड में है क्योंकि उनका जस्ट रिटर्न हुआ है और WWE ने जो टॉप कार्ड का प्लान था वो ऑलरेडी बना लिया था, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि रोमन एकदम से वापस आए और टॉप कार्ड में आ जाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा अनडिजर्विंग भी था रोमन रेंस के लिए। अब सेथ रॉलिंस अगर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतते हैं रेसलमेनिया में तो उसके बाद रोमन और सेथ की बिल्कुल एक फ्यूड हो सकती है टॉप कार्ड में, लेकिन उस केस में फिर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि कौन फेस है कौन हील है। तो मेरे हिसाब से अगर रोमन रेंस को WWE टॉप कार्ड में लेके जाती है तो वो ऐसे रश नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा धीरे धीरे करके उनको वहां तक पहुंचाना चाहिए। और इस केस में मुझे लगता है कि फैंस उनके साथ भी रहेंगे और मेरे हिसाब से अगर उनकी अगली जो टॉप फ्यूड होनी चाहिए मेन इवेंट में वो सेथ रॉलिंस के साथ ना ही हो तो अच्छा है। उससे पहले हमें हो सकता है कोई ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिल सकता है या फिर कोई और हील सुपरस्टार बन सकता है यूनिवर्सल चैंपियन, चाहे वो ब्रॉक लेसनर ही क्यों ना हो, और उसके बाद फिर रोमन रेंस का मैच उनके साथ हो सकता है। लेकिन जहां तक मेरा ओपिनियन है गाइस वो यही रहेगा कि मेन कार्ड में आने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, रोमन रेंस काफी समय से WWE में नहीं थे तो जो डिजर्विंग है। वैसे भी अगर आयुष में एक चीज देखें, ड्रू मैकइंटायर एक तरफ उलझ रहे हैं सेथ रॉलिंस से, सेथ रॉलिंस वही सुपरस्टार हैं जो कि इस समय टॉप कार्ड में, और ड्रू मैकइंटायर अगर रोमन रेंस से भी उलझ रहे हैं यहां पर, तो कहने के हम लोग कह सकते हैं आपस में एक चेन बनी हुई है। और देखा जाए तो रोमन रेंस को मिड कार्ड में फिर भी नहीं कहेंगे, वो थोड़े से ऊपर ही क्योंकि ड्रू मैकइंटायर के साथ वो फ्यूड कर रहे हैं। और एक चीज यहां पर जो मैं और कहना चाहूंगा वो ये कि ड्रू मैकइंटायर के साथ जो रोमन रेंस की फ्यूड है फिलहाल वो सही है, अभी विनर कौन होगा रेसलमेनिया में ये थोड़ी बात की बात है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से भी रोमन रेंस को धीरे धीरे बिल्ड करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सीधा उन्हें टॉप कार्ड में डाल दें क्योंकि हो सकता है वही सेम चीज फिर से कंटिन्यू हो जाए और इस बार तो WWE ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो के अपने अगले टॉपिक में और ये एक बहुत ही बड़ी चीज है जो कि शायद हमें इस बार रेसलमेनिया में देखने को मिल सकती है। 17 मैचेस होंगे इस बार रेसलमेनिया 35 में, क्या सच में ऐसा होगा? अभी हमने कैलकुलेट किया इससे पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले तो हमने देखा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि 17 मैचेस इस बार हो जाए, तो क्या 17 मैचेस होंगे, क्या ये बढ़िया चीज होगी रेसलमेनिया 35 के लिए? अब रात को 2:30 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक टीवी के सामने बैठना गाइस और उस शो को इस हिसाब से देखना कि बाद में मैं उसके बारे में वीडियो भी बना सकूं, शायद मैं तो ये पर्सनली नहीं चाहूंगा। मैं तो चाहूंगा कि स्मैकडाउन की तरह रेसलमेनिया भी 2 घंटे में खत्म हो जाए और फिर इजीली हम सब कुछ उसके बारे में डिस्कस कर लें, लेकिन क्योंकि ये शोज ऑफ द शोज है और WWE को एक बार ऐसा मौका मिलता है कि रेसलमेनिया वो एक साल में कर सके, मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा अच्छा हो सकता है कि वो मैचेस कम करें लेकिन वो बेटर करें। लेकिन अब WWE की अप्रोच और थिंकिंग ये है गाइस कि जितने भी सुपरस्टार्स हैं उनको भर दिया जाए, उनको कार्ड में डाल दिया जाए, तो हमें बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जो मल्टीपर्सन देखने को मिलते हैं जैसे बैटल रॉयल या फिर सारे टैग टीम मैच में कई सारी टीमें लड़ रही हैं, लैडर मैचेस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर 17 नहीं होंगे तो 13 से 15 मैचेस तो पक्का इस कार्ड पे रहने वाले हैं, जिसका मतलब होगा ये शो चलेगा अराउंड 6 से 7 घंटे लंबा। और रोहित आपको क्या लगता है 6 से 7 घंटे लंबी रेसलमेनिया क्या ये वर्थ है? क्या WWE का डिसीजन ये सही रहता है कि उसको इतना ज्यादा लंबा रखो, हर बंदे को मौका दो, क्योंकि मेन इवेंट तक पहुंचते पहुंचते आधे लोग तो सो चुके होते हैं। देखो अगर मैं एक WWE सुपरस्टार हूं तो मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा कि सारे सुपरस्टार बुक हों रेसलमेनिया में, हर किसी को अपना रेसलमेनिया मूवमेंट मिल जाए फिर चाहे वो जीते हारे या कुछ भी हो, लेकिन अगर मैं एक फैन हूं तो शायद मैं इतना लंबा कार्ड देखना पसंद ना करूं, बट फिर भी एक बार को रेसलमेनिया है तो हाँ मैं झेल सकता हूं इतने सारे मैच, ये भी नहीं कि मैं बहुत मजे से झेल लूंगा लेकिन फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है। बट एक जो चीज मैं चाहूंगा वो ये, भैया 3 मैच हटा दो और 1 मैच डीन एम्ब्रोस का तो बुक कर दो। आयुष आप क्या कहोगे इस बारे में? वही मैंने कहा कि डीन एम्ब्रोस को WWE जिस तरीके से रख रही है, मुझे तो लग रहा है इस बार वो आंड्रे द जायंट या कहीं और ही ऐसे किसी मैच में इन्वॉल्व होंगे मल्टी सुपरस्टार मैच में, कि बस ऑब्वियसली क्योंकि डीन एम्ब्रोस अगर WWE छोड़ के जा भी रहे हैं तो वो एक ऐसे सुपरस्टार रहे हैं कि उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की जा सकती। अब उनको जो भी स्टोरी लाइन्स में रखा है कुछ समय से, अब वो अगर हम कहीं डिसरिस्पेक्ट है तो शायद कहीं पे वो बात भी सही है, लेकिन एम्ब्रोस को ऐसे बिल्कुल भूला नहीं जा सकता रेसलमेनिया से पहले। और हो सकता है कि अगर डीन एम्ब्रोस इस कार्ड पे ना हो तो वो एक
जा रहा हो कि शायद वो किसी मैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो मैं जब तक रेसलमेनिया खत्म नहीं हो जाती तब तक ये बात ढंग से नहीं मान सकूंगा कि डीन एम्ब्रोस अब जा चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि WWE के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है एम्ब्रोस को लेके, और अगर वो रिवील करना होगा उनको आने वाले कुछ दिनों में कर देंगे या कुछ हफ्तों में कर देंगे, लेकिन अगर वो कार्ड पे नहीं भी होते तब भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ने वाला कि डीन एम्ब्रोस जो है वो अपीयरेंस तक भी नहीं देंगे रेसलमेनिया में। आपको क्या लगता है इसके बारे में? अब देखो, कुल मिलाकर मैं इस बात में ज्यादा नहीं घुस रहा हूँ कि उनका मैच किससे होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम कुछ भी बोल रहे हैं, WWE लास्ट में कुछ भी कर देते डीन एम्ब्रोस के साथ तो कुछ भी हो जा रहा है। बट मैं ये चाहूंगा कि एटलीस्ट रेसलमेनिया 35 में जो है वो डीन एम्ब्रोस अपीयर हो जाए। अब इससे पहले कि हम अपनी इस वीडियो को खत्म करें, इसलिए अखाड़ा के 11th एपिसोड को खत्म करें, मैं चाहूंगा फटाफट से आप इंस्टाग्राम का फाइनल क्वेश्चन का आंसर कर दो, जो कि पूछा जगप्रीत ने, और काफी अच्छा क्वेश्चन है कि क्या अगर ब्रॉक लेसनर रिसाइन करते हैं WWE के साथ, अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करते हैं, तो क्या वो अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लेंगे रेसलमेनिया 35 में? अब देखो रोहित, और जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं गाइस, सिंपल सी बात है, ब्रॉक लेसनर WWE के लिए एक सुपरस्टार नहीं है, एक बिजनेस डील है। अगर ब्रॉक लेसनर रीसाइन करते हैं तो WWE उनको इतना ज्यादा पैसा देती है कि मोस्टली जो ब्रॉक लेसनर चाहते हैं उनको वो मिलता है, प्राइवेट जेट मिलता है, आने जाने का सब कुछ उनको पेड होता है, उनके होटल्स पेड होते हैं, क्या क्या पेड नहीं होता। और अगर वो चाहते हैं कि मैं इससे नहीं लड़ना चाहता तो वो भी उनके पास क्रिएटिव कंट्रोल तक है। अब उनकी सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है गाइज, वो एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन लीक भी नहीं होती, क्योंकि वो काफी ज्यादा प्राइवेट रखते हैं अपनी सिचुएशंस को। तो अगर वो UFC जाना चाहते हैं, अगर वो एक्चुअली में छोड़ना चाहते हैं WWE, तो तभी वो रीसाइन नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो करते हैं तो फिर से वही चांस है जो हमेशा रहेगा कि ब्रॉक लेसनर अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन करें और फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर लें। जबकि मैं ये देखना नहीं चाहूंगा, मुझे लगता है कि अगर वो रीसाइन करते भी हैं तो भी उनको कुछ देर के लिए WWE से लीव ले लेनी चाहिए और वापस आना चाहिए, और उस समय तक हमें सेथ रॉलिंस एज ए यूनिवर्सल चैंपियन देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये बात कोई ऐसी नहीं कि अगर ब्रॉक लेसनर WWE में है तो वो यूनिवर्सल चैंपियन ही रहेंगे। मुझे लगता है WWE को यहाँ पर अपनी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। तो गाइज, ये वाली वीडियो हमारी यहीं तक की थी, असली अखाड़ा का 11th एपिसोड, जहाँ पर हमने इस बार की रेसलमेनिया के बारे में काफी कुछ बात करी कि अभी क्या चल रहा है लास्ट वीक से, अब वाले वीक में हमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले, क्या कुछ WWE कर रही है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक के बिना कहीं मत जाना। अभी आप इस वीडियो को हमारे चैनल पर देख रहे हो तो लिंक आपको मिल जाएगा आयुष के चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर सकते हैं रेसल चैट, और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें जैसे मैंने आपसे कहा, और आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। अब इससे पहले कि वीडियो खत्म करूं, मैं चाहूंगा आयुष कुछ बोलें, उनके फाइनल वर्ड्स। तो गाइज, जो रोड टू रेसलमेनिया रहने वाली है वो होगी काफी कमाल, और हम उम्मीद करेंगे कि जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग कार्ड है वो बेटर हो जाए, कुछ अच्छे मैचेस इसमें ऐड हो। तो नेक्स्ट वीक का जो एपिसोड होगा या फिर रोड टू रेसलमेनिया का पार्ट 3 वो आएगा रेसल इंडिया पे। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे असली अखाड़ा की प्लेलिस्ट चेक करें अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं। हम दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे रोड टू रेसलमेनिया पार्ट 3 ऑन रेसल इंडिया।